मेहमानों को चूमती इमारतें देखने में जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही खतरनाक होती हैं। बस पल भर का समय लगता है इन इमारतों को मौत बनने में। ख्वालियन में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से कई इमारतें गिर गई हैं, जिसके बाद राहत और बचाव का काम जारी है। ये शहर भूकंप के केंद्र के करीब था। इस भूकंप को बीते 25 सालों में आए इस द्वीप पर अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। ताइवान के अंदर का पहाड़ी भाग भारी भूस्खलन से हिल गया है। राजधानी ताइपे की इमारतों के हिलने के वीडियो भी सामने आए हैं। ये घर के छत पर लगे झूमर देखने में जितने सुंदर हैं, इस वक्त उतने ही डरावने लग रहे हैं। सुबह के 7:48 पर ताइवान में लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। नौकरी पेशा लोग दफ्तर के लिए तैयार हो रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे, लेकिन वहीं अचानक से सब कुछ कांपने लगा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आसपास का सारा इलाका मलबे में बदल गया। इस भूकंप ने न सिर्फ ताइवान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पड़ोसी देश जापान ने भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। ऐसी आशंका थी कि दक्षिण पश्चिमी तट के बड़े इलाके पर 3 मीटर की सुनामी लहरें उठ सकती हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बाद में चेतावनी को कम कर दिया था, लेकिन उसने अपने नागरिकों को चौकन्ना रहने के लिए कहा था। उसका कहना है कि एक सप्ताह तक इस भूकंप के आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। फिलीपींस की भूकंप विज्ञान एजेंसी ने भी भूकंप के तुरंत बाद सुनामी की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से घरों को खाली करके ऊंची जगहों पर जाने को कहा था, हालांकि बाद में उसने इसे रद्द कर दिया। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने भूकंप के 2 घंटे के बाद बताया कि सुनामी का खतरा अब टल चुका है। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि भूकंप के झटके चीन के दक्षिणी पूर्वी फुजियन प्रांत में भी महसूस किए गए।